नमस्कार, हाय, मेरा नाम रवि गुप्ता। जो लोग नाम से जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, और जो लोग नाम से नहीं जानते उनके लिए भी मैं रवि गुप्ता। खैर, कल शाम मैं ब्रीथ देख रहा था अमेज़न प्राइम पे, जो सीरीज़ है अभिषेक बच्चन वाली। वो सीरीज़ के 3-4 एपिसोड ही देखे थे मैंने, मुझे सही लग रही थी। हालांकि वो प्रेडिक्टेबल हो रहा था, क्योंकि जो भी उसमें विलन दिखाया गया है साइड बाय साइड, उसकी लंबी चौड़ी हाइट थी। और उस सीरीज़ के अंदर एक लौता इंसान है अभिषेक बच्चन, जिसकी लंबी चौड़ी हाइट है, तो ये तो पक्का था कि यही विलन होगा। लेकिन किस तरह से विलन होगा वो देखना था। तो 3-4 एपिसोड ही देखे थे मैंने कल, लेकिन घड़ी में शाम के 7:30 बजे और सुशांत भाई की फिल्म मुझे पता था हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है, दिल बेचारा। सुशांत के आगे भाई इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो आपका ही फ़ायदा होता है। अच्छे इंसान से आप हमेशा अच्छी चीज़ें सीखते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत को बाप सब की तरह मैंने मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर मूवीज़ के ज़रिए ही देखा है, और मैंने उस इंसान से पॉजिटिविटी सीखी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाइब्स आती थी उसके उससे। तो मैं कल जो है फिर 7:30 बजे मैंने सोचा कि ब्रीथ को करते हैं स्विच और दिल बेचारा देखते हैं। दिल बेचारा देखते समय मुझे लगा कि फाड़ पिक्चर होगी, मज़ा आएगा। मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी जो भी था जिस तरीके से, क्योंकि मुझे पता था कि जिस नॉवल से वो बेस्ड पिक्चर है वो नॉवल भी बहुत पसंद किए लोगों ने। हालांकि मैंने नहीं पढ़ी, मुझे बस पता है क्योंकि मैं नॉवल नहीं पढ़ता। खैर, फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आने लगी, मुझे लगा कि क्या है क्यों है। मैंने बस इसलिए देखी वो पिक्चर क्योंकि वो सुशांत भाई की आखिरी फिल्म है। मुझे लगा कि नहीं, मुझे पूरी देखनी है चाहे वो कैसी भी हो। मैं अक्सर जैसे होता है ना, आप भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे, मैं भी एक आधे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। मैं उनमें से एक इंसान का, जो मेरे दूर के ऐसे भैया टाइप लगते हैं, उनका मैं देख रहा था। उन्होंने ग्रुप में बातचीत कर रहे थे दिल बेचारे से रिलेटेड। उन्होंने लिखा कि सुशांत अगर ज़िंदा होते तो ये उनकी फ्लॉप पिक्चर होती, फर्स्ट डे फ्लॉप डिक्लेयर हो जाती। लेकिन सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है, तो लोग जो है एक होता है कि संवेदनशील होकर या सिंपथी के तौर पे या फिर इमोशनल होकर पिक्चर को अच्छा बता रहे हैं। ये उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, मेरा भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मूवी मुझे बिलो एवरेज लगी। मतलब मैं शायद ही उस मूवी को दूसरी बार देखूँ, लेकिन आप ज़रूर देखना। क्योंकि इसलिए मैं कोई मूवी रिव्यू देने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं ये बताने आया हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी दिल बेचारा में कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पॉजिटिव बनाती हैं। सिर्फ उससे आप मूवी ज़रूर देखें। मैं 5 पॉजिटिव बातें बताने वाला हूँ। पहली है, हमेशा खुश रहना। लाइफ में हम सब की कोई ना कोई दिक्कत होती है, हम में से कई, और उनमें से मैं भी शामिल हूँ, मतलब थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम जो है परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हायतोबा करने लगते हैं। लेकिन मूवी देखने के बाद या फिर मूवी देखते समय आपको रियलाइज़ होगा कि वो इंसान जिसकी टांग नकली है, वो नकली टांग होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा खुश है। उसे कोई बात नहीं चाहिए कि हाँ, मेरे सामने ये बात होगी तो मैं खुश हो जाऊँगा उस बात को सुन के। वो इंसान हर बात में खुशी ढूंढता है, और अगर वो बात अच्छी नहीं होती तो उसे अच्छी बनाता है ताकि खुश रह सके वो। दूसरों को खुश रखना, खैर ये बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की है, मैं इसमें खुद बिलीव करता हूँ कि अगर आपके अंदर दूसरों को खुश करने की कला है, अगर आप दूसरों को खुश कर सकते हैं अपनी स्टूपिड हरकतों की वजह से, तो सच में आप बिलीव करें, आप दुनिया के सबसे बेहतर इंसानों में से एक हैं। किसी को चिढ़ा करके सामने वाले के फेस पे स्माइल लाना एक कला थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन अपनी स्टूपिड हरकतों से अपने आप का मजाक बना के दूसरे के फेस पे स्माइल लाना बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर अपनी सोशल मीडिया के बायो में लिखता हूँ ये बात कि आई वॉन्ट टू स्माइल एवरी टाइम एंड वॉन्ट टू डू स्टूपिड थिंग्स सो दैट पीपल कैन स्माइल। मतलब वो क्या एहसास होता है वो जो दूसरे के फेस पे स्माइल लाने का होता है, वो एहसास मैंने कई बार जिया है, और बहुत ऐसा लगता है कि वाह, वो सुकून जो है ना वो बहुत ही अलग है। मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा है, सुशांत सिंह राजपूत मूवी के अंदर जो मैनी का किरदार है, उसमें बेशक बहुत सारे परेशानियां हैं, वो कैंसर से मरने वाला है या फिर वो उसकी टांग नकली है या कुछ भी, लेकिन उसे पता है कि दूसरे के फेस पे कैसे स्माइल लानी है, चाहे वो किसी हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त ही हो या फिर किसी के घर वाले हों, हर सिचुएशन में दूसरे को खुश रखना उस बंदे को आता है। तो आप इस मूवी से सीख सकते हैं कि
कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी वो हो, लेकिन अगर आप दूसरे को खुश रख सकते हैं ना, तो आप अच्छे तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। आप दूसरों को खुश रखोगे तो अपने आप खुश हो जाओगे। लाइफ क्या है? छोटे छोटे पलों का एक बड़ा सा पैकेज। और इन छोटे पलों में क्या चाहिए इंसान को? खुशियाँ। अगर इंसान खुश है तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है। और अक्सर इंसान कब खुश होता है? जब उसके सपने पूरे होते हैं या फिर उसकी इच्छाएँ पूरी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सपने बड़े ही हों या फिर इच्छाएँ बड़े ही हों। कई बार कुछ छोटी छोटी इच्छाएँ, कुछ छोटे छोटे सपने भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। और ये सोचना बंद कीजिए कि अरे यार ये मेरी इच्छा है, अगर ये उस फलाना पर्सन को पता चल गई तो वो क्या सोचेगा। अरे ये अगर हम भी यही सोचने लगे कि वो क्या सोच रहा है तो वो क्या सोचेगा, और हम में और उसमें क्या ही अंतर रह जाएगा। तो अपने सपनों को पूरा कीजिए ना, अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए ना, दूसरे के बारे में क्यों सोचना है। तो फिल्म के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कई कैरेक्टर हैं जो अपने सपनों के लिए जी रहे हैं। जैसे पहला सुशांत सिंह राजपूत, उस बंदे का सपना है कि उसे रजनीकांत जैसे एक्शन करना है, रजनीकांत जैसी एक्टिंग करनी है, रजनी खान जैसा हीरो बनना है। तो वो बंदा उस फिल्म में, जबकि उसे पता है कि उसके पास कुछ ही दिन बचे, लेकिन वो अपनी लाइफ जी रहा है अच्छे तरीके से। सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त, उसको पता है कि उसका 2 महीने बाद ऑपरेशन है, आँखों की रोशनी चली जाएगी, लेकिन उसका सपना है आखिरी भोजपुरी फिल्म बनाना। तो वो बंदा भी अपने सपनों के लिए जी रहा है। और तीसरी किजी जो हीरोइन है मूवी की, उस बंदे का भी अजीब है, लेकिन अजीब नहीं कहना होगा यहाँ पे, क्योंकि सपने तो आपके हैं ना, सबके आपने हैं। आप के सपनों को कोई और अजीब कहे, ये उसका हक ही नहीं है। सपने आपके, इच्छा है आपकी है, तो आपके सपने आपके होते हैं ना। तो किजी का सपना या किजी की इच्छा है कि जो कि उसका फेवरेट गाना है, उसके आखिरी लफ्ज़ क्या हैं, क्योंकि वो अधूरा गाना है, तो उसकी इच्छा है कि वो उस आखिरी जो गाना है उसके आखिरी लफ्ज़ों को जाने। इसके लिए बेशक किसी जो है पेरिस जाती है। तो सपने तो आपके हैं ना, उसको अगर कोई इंसान पागलपन या बेवकूफ़ी कह रहा है तो उसको कहने दो, अब अपने सपनों को जियो। फोर्थ एक आखिरी स्पीच, भले ही ये थोड़ा फिल्मी हो, और अगर आप अपनी ये बात अपने अपनों से कहें तो वो हो सकता है नाराज़ भी हो जाए, गुस्सा भी हो जाए, और ये कहें ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन कोशिश करना, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कह के देख सकते हो, जैसे मूवी में थोड़ा फिल्मी है ये, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि क्या मैं अगर इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे लिए आपकी आखिरी स्पीच क्या होगी, वो मैं सुनना चाहता हूं। थोड़ा इमोशनल हो जाएगा मामला, हो सकता है कि कहें कि क्या बकवास है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो आप जो आपका अपना है वो नहीं चाहेगा कि आप अपनी दुनिया से चले जाओ। फिर भी लेकिन अगर आप कोशिश कर पाएँ तो जानें कि सामने वाले की आखिरी स्पीच में आपके लिए क्या हो सकती है। थोड़ा इमोशनल है लेकिन सुन के अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ इमोशनल हो जाओगे और पॉजिटिव की तरफ लोगे तो और अच्छा लगेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम सबको पता है कि सुशांत की आखिरी फिल्म है ये, और कई लोग मूवी देखने के बाद सुशांत की आखिरी इस फिल्म को ख़राब नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये धारणा है कि मरने के बाद इंसान के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलते हैं। लेकिन इस ख़राब या फिर अच्छी, ज़्यादा अच्छी ना होते हुए इस फिल्म को पूरा देखना, वो भी एक अच्छे कॉज के लिए, सबसे बेस्ट बात वही है। हम लोगों ने फिल्म को इसलिए पसंद किया है क्योंकि हम लोग सुशांत भाई को जिताना चाहते हैं। बेशक सुशांत ज़िंदगी की रेस में हार गया हो, चला गया हो हमें छोड़कर, लेकिन हमारे दिलों की रेस में भाई को हमेशा हमें जिताना है। सुशांत सिंह राजपूत टैलेंटेड एक्टर, उसकी मूवी हमें ज़रूर देखनी है, वो इसलिए क्योंकि कई सारी पॉजिटिव बातें हैं। फिल्म अच्छी लगना ना लगना वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, और फिल्म ज़रूर देखें क्योंकि वो आखिरी फिल्म है सुशांत सिंह की, और फेवरेट एक्टर तो नहीं था मेरा, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आई रियली अप्रिशिएट हिज पॉजिटिविटी। और फिल्म देखें दिल बेचारा हॉटस्टार, अच्छी लगेगी आपको शायद, बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन पॉजिटिव ज़रूर बने, पॉजिटिव बनेंगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा। बाय।